देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन रेशियो दिस, फाइंड रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। मतलब दो एपी हैं, उनके एन टर्म्स का रेशियो ऐसा है, तो उनके 18 टर्म्स का रेशियो बताना है क्या होगा, है ना। दो एपी हैं, जैसे कि मान लिया मैंने एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए वन है, कॉमन डिफरेंस डी वन है, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म ए टू है, कॉमन डिफरेंस डी टू है, ऐसा मैंने मान लिया, है ना। दो अलग अलग एपी है, इसका फर्स्ट टर्म ए वन है, कॉमन डिफरेंस डी वन है, इसका फर्स्ट टर्म ए टू है, कॉमन डिफरेंस डी टू है। देखो ध्यान दो, जैसे इसके एन टर्म का सम क्या हुआ, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, और देखो इसके एन टर्म का सम क्या हुआ, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, है ना। दोनों के एन टर्म्स का सम का फार्मूला देखो हमने लगाया। अब देखो गिवन क्या है, देखो गिवन है हमें एस वन बाई एस टू बराबर फाइव एन प्लस फोर अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स। देखो ऐसा हमें यहाँ पर गिवन है, है ना, उनके एन टर्म्स का रेशो ऐसा दिया गया। निकालना क्या है, 18 टर्म का रेशो। 18 टर्म का रेशो मतलब देखो, जैसे पहले का 18 टर्म ये हो गया, है ना। जैसे किसी भी एपी का अगर हम 18 टर्म निकालें तो क्या होगा, a प्लस 18 माइनस वन इंटू डी, तो मतलब a प्लस 17 डी, है ना। तो पहले का 18 टर्म ये हुआ और दूसरी का देखो 18 टर्म ये हुआ, इसका रेशो हमें चाहिए, है ना। पहले का 18 टर्म दूसरे का 18 टर्म का रेशो। देखो s1 बाई s2, s1 s2 की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो क्या बचेगा, देखो n बाई टू ना कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2a1 n माइनस वन डी वन अपॉन 2a2 n माइनस वन डी टू, ठीक है। और यहां पर क्या है, देखो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ऐसा देखो यहां पर हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो हमें ये वैल्यू चाहिए है एक्चुअली, है ना। तो क्या करना है, देखो हमें इससे ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले ये 2 हटाओ, तो एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ए वन प्लस एन माइनस वन बाई टू डी वन, और नीचे देखो क्या हुआ, ए टू प्लस एन माइनस वन बाई टू डी टू बराबर क्या हुआ, फाइव एन प्लस फोर नाइन एन प्लस सिक्स, है ना। क्या किया देखो, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, जिससे उस वो बने। अब देखो क्या करना है, इसकी जगह लाना है 17, देखो इसमें, है ना। तो क्या करें, देखो n माइनस वन बाई टू को 17 बन दें, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो 34 प्लस 1, n बराबर क्या हो गया 35, है ना। तो n बराबर देखो क्या आ गया यहां पर 35 आ गया, ध्यान दो, ठीक है। देखो फाइनली क्या हुआ, जैसे हमें 18 टर्म निकालना था, है ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहां से n क्या आ गया, 2 इंटू 17 प्लस 1, तो n आ गया 35। तो अगर हमें n 35 इसमें रख दें दोनों साइड में, तो क्या होगा, n को 35 रखो, तो a1 प्लस 17 d1, और देखो नीचे a2 प्लस 17 d2, और देखो n को 35 रखो, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, देखो ये क्या आ गया, प्लस 4 अपॉन 179 अपॉन 3, है ना। बोलो ये क्या है, ए टू प्लस 9 इंटू 35 प्लस 6, ठीक है ना, सॉरी मैं प्लस 4 लिख गया, तो 321। देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया जो हमें चाहिए, है ना। ये रेशो चाहिए, देखो ये रेशो ये आ गया 179 अपॉन 320। देखो ध्यान दो, अब जैसे कई लोग क्या करते हैं,
एक शॉर्टकट निकाल देते हैं इसका। अब देखो हर हर क्वेश्चन के अलग अलग शॉर्टकट याद रखेंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, अभी याद आगे चल के भूल जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम होता है वो एक टॉपिक का एग्जाम नहीं होता है ना, वो उसमें जो है वो 25-30 मैथ्स के 25-30 फिजिक्स इस तरीके से करीब करीब 72-75 टॉपिक एक साथ पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मिला करके, तो उसमें छोटे छोटे शॉर्टकट ऐसे याद रखने चले समस्या हो जाएगी। देखो ध्यान, तो फिर बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कुछ लोग कहते हैं 18 टर्म का रेशो चाहिए, तो कहते हैं कि n माइनस 1 बाई 2 18 है ना, तो यहाँ पर 17 कर दो बस, यहाँ से जो n आएगा देखो लास्ट में हुआ वही फाइनली n माइनस 1 बाई 2 बराबर 18 टर्म चाहिए तो 17 कर दिया, इससे जो n आएगा वो यहाँ रखने से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से शॉर्टकट है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट हमें याद नहीं करने हर क्वेश्चन को लेकर अलग अलग। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको यहाँ पर। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।